नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखेंगे परसेंटेज, मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। इस टॉपिक को करके आप कई सारे टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं और उसे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट की, परसेंटेज के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट को समझ लें तो आपको एक भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ सपोर्टिंग चैप्टर भी है, लेकिन इसके लिए कई बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले तो आपका टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टेबल अच्छा है तो आप अपने आप परसेंटेज क्वेश्चंस को तेज़ी सॉल्व कर पाएंगे। और परसेंटेज क्या, परसेंटेज के साथ साथ एसआई सीआई के भी क्वेश्चंस आपके तेज़ी से बनेंगे, एवरेज रेशियो के भी क्वेश्चन बहुत तेज़ी से बनेंगे। तो इसलिए परसेंटेज का चैप्टर आपका बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपने जितने भी डीआई के क्वेश्चंस देखे होंगे, उस डीआई में जो 5 डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका परसेंटेज से ही होता है। तो इस तरीके से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज समझते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज नॉर्मली इस तरीके से डिनोट होता है। परसेंटेज का मतलब है परसेंट, हिंदी में प्रतिशत। मतलब जो भी चीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं वो शर्त से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। अगर कहा जाता है कि 80%, तो 80% का मतलब होता है 80 out of 100, 100 में से 80, वो होता है हमारा 80%। अब इस चीज़ के लिए अगर हम सबसे ज़रूरी बात समझ जाएं कि जो चीज़ भी हमने यहाँ पे बात की, जैसे मान लीजिए हम 40 का अगर 80% की हम बात करते हैं तो हमारा बेस वैल्यू 40 होता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बात को समझना क्वेश्चन के अंदर कि आपका बेस वैल्यू क्या है। अगर आप बेस वैल्यू समझ जाएं तो आपके लिए कैलकुलेशन चुटकी में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 40% की बात करें कि 40 का 80% की बात करें तो बेस वैल्यू हमारा क्या है, 40 है। और इसके हिसाब से हमको 80% निकालना है। अगर परसेंट में इसको देख रहे हैं तो हमारा 40 जो है ये 100 के बराबर है। अब इस 100 के बराबर से हमको 80 के बराबर उसमें से निकालना है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है, जो कि आप फॉर्मूला में भी देखते होंगे, इसके 100 टुकड़े कर दिए जाएं। मतलब 40 को अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। और जैसे ही 100 टुकड़े हुए हमको क्या मिला, 1%, 1% मिल गया। ये 1% को अगर हमको 80% में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 80 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी वैल्यू आपको यहाँ से मिला, यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। ये जो 2/5 है इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये हमारा हो गया 16 और आपका आंसर 32। ये तो ट्रेडिशनल आपका तरीका है, ये फॉर्मूला आप बनाते हैं, फॉर्मूला पे डालते हैं। लेकिन अगर इसको और इजी करना हो तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि जो बेस वैल्यू हो उसके साथ 1%, 10%, 100%, इसमें से जो रूल लगे वो रूल लगाना है। 1% का रूल कब लगाएंगे, जब हमको 10 से कम के वैल्यूज को निकालना होगा तो 1% का रूल लगाएंगे। अगर हमको 10% से ज़्यादा 20, 30, 40, 50 के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 10% के हिसाब से चलेंगे। और अगर 100% से ज़्यादा के लिए हमको कैलकुलेशन करना होगा तो 100% का रूल लगाएंगे। अब इस रूल में करते क्या हैं, यहाँ पर हमने बात की कि 40 का 80% कितना होगा। तो 40 का अगर हम, चूंकि ये 80% है तो इसमें हम लोग 10% का रूल लगा लेते हैं।
अब 10% के रूल के हिसाब से 40 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये हमारा 10% हो जाता है। और 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने एक अंक पीछे दशमलव डाल दिया, डेसिमल जो है हमने एक अंक पीछे किया। तो इस तरीके से हमारा 10% का वैल्यू कितना हो जाता है, 4। अब 40 का 80% निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 80% है, 8 मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 को अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 80% हो जाता है। और 10 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4। तो सीधा क्या करेंगे, 4 × 8 = 32, 8 × 32 हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको पेपर पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने 40 को सिंपली 10% में कन्वर्ट किया, मतलब एक डेसिमल डाला, 4 हो गया आपका वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्योंकि ये 4 जो है वो 10% है, ये 10 का 8 टाइम है, तो हमने 4 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया और ये 32 हो गया 10% के हिसाब से। अगर यही चीज 8% निकालना होता, 8% ऑफ 40 अगर निकालना होता तो क्या करते, 40 को 100 से डिवाइड कर देते, 100 से डिवाइड करते ही हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और 0.4 क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में 1% है। तो 1% को 8 टाइम हमको करना है, 1% को 8 टाइम करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3.2। तो इस तरीके से आप तेजी से इसको निकाल सकते हैं, 1% 10% और 100% में। अगर यही चीज रहता, मान लीजिए 180% ऑफ 40, तो भी आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। कैसे, 100% तो आपने निकाल ही लिया, 100% तो आपका 40 है, और बाकी 80 जो निकला, 80 को आपने 10 के हिसाब से ले लिया, और फिर फाइनली आप 40 + 32 कर लिए और आपका 72 आंसर। या अगर दूसरा तरीका अपनाना चाहें तो 10% के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 18 भी कर देंगे, 18 × 4 = 72, तब भी आ जाएगा। तो ये तो हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि आपने सीधे सीधे 1% के या 10% के हिसाब से इसको फॉलो कर लिया। कई बार आपको एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि 100 और 10 को हमने जोड़ लिया, दोनों ही चीज़ को एक साथ इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमको पेपर पेन की जरूरत ना पड़े। ये सब कुछ मेंटली हो जाना चाहिए। अब अगर बीच में कोई चीज आता है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 40 का 32%, तो 32% में आपको दोनों तरीके से 1% और 10% को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें 32% में क्या करेंगे, 30 और प्लस 2 को दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, 4 × 3 = 12 + 2% और 0.4 हमारा 1% होता है, तो 2% के लिए क्या होगा, 0.8 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 12.8। तो आप अगर इन चीजों को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसी तरीके से इन परसेंटेज का इस्तेमाल आपको एसआई और सीआई के अंदर भी करना है। क्यों, क्योंकि एसआई एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी परसेंटेज ही होता है। अगर कहा जा रहा है कि 100 रुपये का एक साल में 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा, तो एक साल में 100 को 10% में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर दें, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, तो इसको हम सीधा 10 से डिवाइड कर लिए तो हमारा 10% 10 निकल गया, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 साल में कहता तो 3 साल के लिए 10 10 10 कर देते, 30 हो जाता। तो परसेंटेज का इस्तेमाल आपको सीआई के अंदर भी करना है, एसआई के अंदर भी। देख लिया हमने सीआई में क्या होता है, जनरली आपको क्वेश्चंस 3 साल के ही पूछे जाते हैं,
3 साल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ा जरूरत है समझने का, आपको फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार क्वेश्चंस आपके ठीक सामने ही होंगे। अगर 2 साल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 40 ही रखते हैं बेस, 40 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। 1 साल में तो वो सिंपल के हिसाब से चलेगा 10% के हिसाब से, तो 4 हो गया। अगले साल जो डिफरेंस पैदा करेगा वो ये डिफरेंस नहीं पैदा करेगा, ये तो एसआई के अंदर भी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी अपना इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा उसमें इसका भी इंटरेस्ट होगा, मतलब 4 का भी 10%। तो 4 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, 0.4। तो अगले साल ये 4.4 वैल्यू के साथ आएगा। तो अगर आप परसेंटेज को समझते हैं तो आपके लिए एसआई सीआई भी मुश्किल नहीं रहेगा। यहां तक कि आप देखते होंगे एवरेज और परसेंटेज में भी, एवरेज और रेशियो में भी इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे जिसको कि आप परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज का कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ आपसे चर्चा करेंगे।